वेलकम टू माय चैनल एंड इट्स माय 8th व्लॉग। आज है संडे, अभी टाइम हो चुके हैं 10:30 और 10:40 के अराउंड कुछ हुआ है। आज हम लोग बहुत लेट उठे हैं, तो आज जाना है हमें एक फेमस टेंपल को, हैदराबाद के फेमस टेंपल को, तो उसके लिए रेडी होना है। लेकिन अभी घर का काम कुछ भी नहीं हुआ है, अभी घर का काम पूरा कंप्लीट करके और हम तीनों तैयार होना है, तीनों तैयार होके आपसे मिलते हैं। तो प्लीज तब तक समझ रहे हो ना, ठीक है। अब मेरा हो चुका है बस चाय और बच्चों का नाश्ता कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इनके लिए गर्म पानी लगाई, अभी थोड़ा घर की साफ सफाई कर लेते हैं। पहले थोड़ा काम हो चुका है बस, और थोड़ा बाकी ये काम निकलते रह रहा है, तो मैंने सोचा कि बस पूरा काम कर लूं फिर फटवर के नहा के तैयार हो जाऊं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, ये रहा कहाँ का काम वहां। ये देखिए, पहले तो मैं बेडशीट चेंज करती हूँ क्योंकि हम मंदिर जा रहे हैं ना, तो मैं फर्स्ट बेडशीट चेंज करती हूँ, फिर घर झाड़ू मार के घर पहुँचती हूँ, फिर ये कपड़े सेट करती हूँ, फिर मैं किचन सेट कर लेके तैयार होके। हाय बोल रुद्वी, चलो मिलती हूँ। साफ सुथरा, बेडशीट चेंज, सब चेंज, पिलो कवर्स चेंज, सब चेंज, अभी बाकी का काम करना है। चलो फिर मिलती हूँ। कंफ्यूज थी लेकिन जो भी है पेन लेना है, अभी टाइम नहीं है। यहाँ पे वल्लभ का और रुद्वी का निकाल के लगा दी मैं, तैयार होके मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने साड़ी चेंज कर लिया क्योंकि वो मुझे थोड़ा अनकम्फर्ट फील कर रहा था, क्योंकि बच्चे भी संभालने पड़ते ना, इसके लिए मैंने बहुत सिंपल साड़ी पहन ली थी। यहाँ पे रुद्वी हो चुकी है तैयार, रुद्वी यहाँ पे कुछ खा रही है, यहाँ पे वल्लभ भी हो चुका है तैयार, हम तीनों तैयार हो चुके हैं। ये देखिए मेरा आउटफिट लास्ट, मैंने बहुत सिंपल साड़ी पहनी थी, मेरे को बहुत अच्छी दिख रही थी और बहुत मिनिमल मेकअप है, यहाँ पे बस सिंदूर भरना था। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मंदिर, लेकिन बहुत बहुत भीड़ थी। ये रही माता, मैंने जूम करके लिया, फिर हम लोग लाइन में ठहरे थे। ये देखो वल्लभ रुद्वी पोज मारने में नंबर वन ने, ये यहाँ पे मंदिर में है, हम लोग यहाँ पे फेरा ले रहे थे, यहाँ पे अगरबत्ती वो ये सब कर रहे थे, पीछे छोटी माता को, ये रही बड़ी माता, कालिका माता है ये। यहाँ पे पूरे जितने मन्नत रहते ना उनके नारियल बंद के रखे हुए थे वो। यहाँ पे आगे बच्चे फुग्गे वो ये लेने खरीदने, लेकिन मैंने फुग्गे तो नहीं दिलाए इनके पप्पा, इनके पप्पा दिलाते कारोसिस। और मैं पीछे का व्यू दिखा रही थी, मैं खुद को भी रिकॉर्ड कर ले रही थी। ट्रेन जा रही है, देखिए इन्हों देखो फोन देखो, यहाँ पे खेल रहे हैं ये दोनों, कुछ कुछ खरीद लेके आए थे लोग। बहुत रश थी मंदिर में, लेकिन बहुत अच्छा महसूस हो रहा था जाने के बाद। ये देखिए ये ऐसा बैठ के कुछ फंक्शंस वगैरह आए थे, तो ये लोग ऐसा बैठ के खाना वगैरह पकाना खाना यहाँ पे करते हैं। बहुत छोटा सा था और बहुत बड़ा हो गया ये मंदिर, फेमस भी हो गया। मतलब फोन कैमरा देखते कि पोज मारना, आ चुके हैं घर। अब बजे हैं 7, अब मुझे ड्रेस वो सब बच्चों का सब मैं भी और बच्चों को भी चेंज करा के मुझे खाना पकाना है, खाना पकाने के बाद आपसे मिलती हूँ। चलो तब तक देखिए, ये मेरा और वल्लभ का डिनर है, रुद्वी उनके पापा के साथ खाती है, अभी मैं और वल्लभ खाना खा रहे। मैंने अपना डिनर कंप्लीट कर चुका है, अभी मेकअप रिमूव करके सोना है। टाइम हो रहा है 8:35 हो रहा है, मेरा मेकअप वो सब रिमूव करने तक 9:30 होता कैसा, अभी अभी ये लोग नहीं सोए, मेरा मेकअप रिमूव करते है पहले, वेट करिए। तो पूरा स्प्रिंट हो गया मेरे फेस पे, वो भगवान करे वो काजल वो ये था ना। यहाँ पे मैंने अपने मेकअप रिमूवर वाइप्स निकाले क्योंकि ये इजी रह जाता, मेकअप भी इजी निकल जाता। मैंने फर्स्ट तो अपना लिपस्टिक पोछा, लेकिन लिपस्टिक तो जा रही नहीं थी क्योंकि वो मैं ब्लिंक की है,
उसको ऑयल से निकालना पड़ता हूँ। ये देखिए कितना मेकअप है, बहुत मिनिमल था लेकिन फिर भी पता नहीं मेरा मेकअप डालने के बाद क्यों मेरा थोड़ा फेस अलग दिखता। देखिए मेकअप रिमूव करने के बाद बहुत अच्छा दिखता और क्लीन दिखता। मेरा मेकअप ना थोड़ा ब्लैक हो जाता, ब्लैकिश हो जाता, ऐशी हो जाता, ऐशी हो जाता, पता नहीं क्यों। मैंने अपना मेकअप बहुत अच्छे तरीके से साफ कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स बैक क्या हुआ था ना, मैं बहुत नेग्लेक्ट कर रही थी मेरे फेस को, तो बहुत सारे पिंपल्स और कुछ एलर्जी हो गया था, मुझे फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ा था। मैं वही बता रही हूँ यहाँ पे, इसके लिए अभी थोड़ा अच्छे से केयर ले रही हूँ फेस को। ये देखिए अभी मैं ये क्लींजिंग कर रही हूँ, मेकअप रिमूवर के बाद मैं थोड़ा क्लींजिंग करके अपना फेस वॉश करती हूँ। फेस वॉश नहीं करे तो भी चलता है, इस पर ये अच्छे से निकालता है और अपने स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, बहुत अच्छे से निकल जाता है डस्ट वो सब। मैं घर में होते भी कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ अगर बहुत ऑयली हो गया तो। मैं यहाँ पे फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, बहुत नीट दिख रहा है फेस। मैं हमेशा रुद्वी के बनीन से पोंछती हूँ, पेटीकोट से नहीं, यहाँ पे बच्चों के कपड़ों से पोंछती हूँ क्योंकि नरम रहते हैं। बदमाशी चालू है यहाँ पे, बदमाशी चालू है। मुझे शूट करने नहीं दे रहे, मुझे ब्लॉग एंड करना है। कितना फ्रेश दिख रहा है देखिए मेरा फेस, अभी बहुत सुकून दिख रहा है। ये ब्लॉग नहीं है, ये स्किन केयर हो गया, ये स्किन केयर का वीडियो हो गया। ये बस थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, क्योंकि मैं स्किन थोड़ा ब्लैक। चलो बाय, ये व्लॉग यही एंड है क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा जाने वाला है। तो गुड नाइट, सी यू ऑल, नेक्स्ट व्लॉग आने तक वेट करिए। फिर भी डेली व्लॉग अपलोड करने की कोशिश बराबर चालू है मेरी। ये देखिए इन लोग भी गुड नाइट बोलना है, बोलते गुड नाइट, ऊपर आके बोलो गुड नाइट, लाइक लाइक सब्सक्राइब कमेंट, लव यू ऑल, बाय गाइस।